सहित कॉलेजों में एक पीएचडी होल्डर मैथमेटिक्स का, एक पीएचडी होल्डर फिजिक्स का यदि 10,000 में काम करने के लिए अपने इंटरनल रिसोर्सेज से मजबूर है तो ये हमारे समाज के लिए गलत संदेश जा रहा है। उनके कैरियर के प्रति जो चिंता है ये समाज के लिए चिंता का विषय है, उसको ठीक करना होगा। उसको ठीक करने के लिए एक राजकर्मी का दर्जा दिलवाना हमारा प्रथम लक्ष्य होगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। इस समय मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम के एक निजी होटल में और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है। आपको हम बता दें जो तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के गया निर्वाचन क्षेत्र के गया शिक्षक क्षेत्र से जो कैंडिडेट है जीवन कुमार जी, उन्हीं का यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। और आपको बता दें जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं ये बल्कि कोई आम लोग नहीं है, बल्कि आपको हम बता दें कि गया निर्वाचन क्षेत्र से यूँ कहे कि रोहतास जिले के अलग अलग सरकारी विद्यालयों के शिक्षक हैं और यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो कैंडिडेट हैं जीवन कुमार जो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, उन्हीं का प्रचार प्रसार हो रहा है और इसी को लेकर जीवन कुमार स्वयं आए थे और यहाँ पर शिक्षकों से उन्होंने वार्तालाप किया, 1-to-1 किए और साथ ही साथ उन्होंने शिक्षकों को बताया कि आखिर जब वे चुनाव जीत जाते हैं तो क्या कुछ शिक्षकों के लिए करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं गया के गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीवन कुमार। देखिए, शिक्षकों के लिए जो मैसेज है वो मैसेज ये है, आज यहाँ के कार्यक्रम में कई शिक्षक आए थे जो विहित रहित कॉलेज के हैं, गवर्नमेंट स्कूल के हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल के हैं, गवर्नमेंट विद्यालय के हैं। तो एक मैसेज ये है कि भाई जो आज तक जिन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा गया है उस पर काम करना होगा और मजबूती से काम करना होगा। एग्जाम्पल है कि आज वित्त रहित कॉलेजों में एक पीएचडी होल्डर मैथमेटिक्स का, एक पीएचडी होल्डर फिजिक्स का यदि 10,000 में काम करने के लिए अपने इंटरनल रिसोर्सेज से मजबूर है तो ये हमारे समाज के लिए गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि कोई भी अपने बच्चे को फिर पढ़ा के प्रोफेसर नहीं बनाना चाहेगा। दूसरी तरफ नियोजित शिक्षक आज अपने करियर के लिए, मैं 8 जिला में घूमा हूँ, 8 जिला में कहीं भी कोई ऐसा जिला नहीं मिला जो ये कह दे कोई शिक्षक कि हम नियोजित शिक्षक हैं और गेस्ट टीचर हैं, हम सरकार की नीति से खुश हैं। तो इसके उनके करियर के प्रति जो चिंता है ये समाज के लिए चिंता का विषय है, उसको ठीक करना होगा। उसको ठीक करने के लिए एक राजकर्मी का दर्जा दिलवाना हमारा प्रथम लक्ष्य होगा और गेस्ट टीचर को अस्थायित्व प्रदान करना, जहाँ वो काम कर रहे हैं वहीं अस्थायी उनको किया जाए, ये हमारा लक्ष्य होगा। और साथ साथ संस्कृत, हमारे संस्कृत विद्यालय जो है हमारे सनातन का जो है, हमारे सनातन का मूल है और उसको ध्वस्त करने की प्रक्रिया चल रही है जहाँ तक मुझे लगता है, उसको बचाना हमारा उद्देश्य रहेगा। हमें 8 जिला में गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 8 जिला आते हैं और 8 जिला में हमें समर्थन मिल रहा है। और मुझे ऐसा महसूस, लोक परिवर्तन के लिए ललायत हैं लेकिन लोक परिवर्तन के लिए आदमी ढूंढ रहे थे, कौन आदमी है जो मेरा संघर्ष करेगा। शिक्षक आज MLC का चुनाव नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने MLC का चुनाव के साथ साथ अपने संघर्ष रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। शिक्षकों से अपील करना चाहेंगे कि अपना एक एक मत को, चाहे 8 जिला में कहीं भी हो, आपके कहीं भी कॉन्टैक्ट्स हो, कहीं भी आपके लोग हो, कहीं भी आपके संबंध हो, उनको अपना मत जो है बर्बाद करने के लिए नहीं कहेंगे बल्कि उनका मत सही जगह इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे। और हम चूंकि प्रत्याशी हैं इसलिए हम अपील करना चाहेंगे कि अपना मत जीवन कुमार को दें और क्रमांक 1 पर 1 रोमन में 1 दबाकर अपना हमें विजयी बनाने का प्रयास करें। अभी आप सुन रहे थे गया निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीवन कुमार को, स्पष्ट तौर पर सभी चीज़ों के बारे में बताया, साथ ही साथ उन्होंने अपने एजेंडा के बारे में बताया कि आखिर उस चुनाव जीत जाते हो तो शिक्षकों के लिए क्या कुछ करेंगे। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए अपने लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।